नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हम लोग खिदमत फाउंडेशन से वर्क कर रहे हैं भूखे को खाना खिलाने, जैसे कि रोड के किनारे जो गरीब रहते हैं, जो फकीर भीख मांगते हैं। टोटल लॉकडाउन में लोगों का काम तो बंद हो गया, भीख मांगने वाला काम तो बंद हो गया, कहीं निकलना है नहीं, तो हम लोग खाना बना के उसको ले जाके खाना देते हैं। कितने दिनों से काम किया आपने? ये हम 23 तारीख से 24 तारीख से चल रही है। अच्छा, और इसमें किनका सपोर्ट था? सपोर्ट किसी और का, किसी का सपोर्ट नहीं है, कोई पॉलिटिशियन सपोर्ट नहीं है। टोटल फाउंडेशन का मेंबर है 30 मेंबर हम लोग हैं। अच्छा। सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लिया है, डबल तिबल इन्वेस्टमेंट करके इस चीज़ को आगे लगा है, अभी तक चलाया सब कुछ अपने खुद से। मैंने आप लोग खाना खुद से यहाँ ला के बनाते थे? हाँ, कच्चा रॉ मटेरियल ला के यहाँ खुद से बनाते थे। अच्छा। एक भाजन है बनाने के लिए, कंटिन्यू वो बनाया एक महीना खाना, उसके बाद टोटल डिस्ट्रीब्यूट करते थे रोड में। किस किस इलाका में डिस्ट्रीब्यूट करते थे? इधर करीमनगर जाते थे, रेल लाइन के उस पार में करीमनगर, बल तुमन बढ़िया जाते थे, ठीक। और अपना मोहल्ला में इधर कब्रिस्तान मोहल्ला है, इधर बीच मोहल्ला है, बस स्टैंड है, टोटल एरिया कवर करते। कितने दिनों तक सिलसिला ये रहा? लगभग एक महीना तक हम लोग सिलसिला था। अच्छा। रमजान का एक दिन पहले हम लोग इस चीज को बंद कर दिए, क्योंकि रमजान में हम लोग नहीं कर पाएंगे इस काम, रोजा भी रखना है। इस दरमियान हम लोग सोच के सब मीटिंग किए, आपस में मशवरा किए, तो ये डिसाइड हुआ कि रमजान में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग कच्चा सामान, चना और रमजान का आइटम जितना भी है, चना है, चना दाल है, खजूर है, और आपका चावल है, आटा है, ये सब रॉ मटेरियल हम लोग कच्चा सबका हफ्ता 10 दिन का कम से कम 150 पैकेट सबका घर में ले जाके दिए हमने, ताकि हफ्ता 10 दिन के लिए इत्मीनान रहे। इंशाल्लाह अगर फंड जुगाड़ हुआ और हम लोग सब ग्रुप में बात कर रहे हैं, कुछ इसका इंतजाम हो गया तो इसके बाद भी और रॉ मटेरियल देंगे कच्चा। आप भी तो स्टूडेंट हो, अभी कुछ पढ़ाई कर रहे हो जी, आपके मन में ये सोच कहाँ से आया कि ये काम करना चाहिए था? ये सोच जब हम लोगों ने एक दिन रोड में निकला तो, और सोशल मीडिया वगैरह में देख करके ये पता लगा कि वाकई हम लोगों को अपना एरिया में निकलना चाहिए, और हम लोगों ने डिसाइड किया। पहला दिन हम लोगों ने कुछ कमतर खाना पकाया, और दावत के लिए जब निकले तो जब गरीबों के पास गए तो देखा कि बहुत लोगों के यहाँ अनाज तक नहीं था, उन लोगों ने बहुत दुआ दिया, और वहाँ से हम लोग को जो हिम्मत मिली और हम लोग वहाँ से काम जो चालू किए, और एक छोटा सा वीडियो बना करके हम लोग लोगों को दिखाना चालू किया, तो लोगों से सपोर्ट मिला और फाइनेंशियल सपोर्ट भी हम लोग के जितने मतलब टीम मेंबर है। जब तुम स्टार्टिंग के तो सब माइंड में था कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, माइंड में तो ऐसा बहुत चल रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त मदद मिला हम लोग का ग्रुप का, और हमारे मोहल्ला के मतलब लोग हैं जो भी मतलब ग्रुप के मेंबर हैं, सबने जुड़ा 30 लोग। हम लोग किसी सियासत से किसी तरह का ना कुछ हेल्प लेने गए, ग्रुप में जो लोग हैं सब बराबर के हैं जी जी, सब बराबर खड़े होके, कुछ अगल के बगल के मोहल्ले के भी हैं, सारे लोग हम लोगों ने मिल करके, हिम्मत फाउंडेशन के 30 मेंबर हैं, इन लोगों ने मिल करके काफी इंतजाम किया, और सबने जी जान लगा करके काटा। जैसे बहुत के नन्नू भाई है, जसीम भाई है, किस किस का नाम लू, किस किस को छोड़ दू, जो जहाँ जर रहा है वही आफ्ताब है, आफ्ताब का वही तमाम लोगों ने, आप ही लोगों ने अपने अरेंजमेंट किया, बाहर से किसी कोई सपोर्ट नहीं? नहीं, बाहर से किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, सब हम लोग का ग्रुप का लड़का ही टोटल काम किया, खिदमत फाउंडेशन के जरिए ही हम लोगों ने ये पूरे काम का अंजाम दिया। सिस्टम क्या था, कैसे बांटते थे खाना आप लोग? खाना हम लोग का पकता था, 2 टाइम हम लोग बांटते थे, एक दिन में पकने के बाद हम लोग निकलता था टीम वाइज, आधे घंटे कुछ लड़का इधर जा रहा है, कुछ लड़का उधर जा रहा है, चार सीन कर रहे हैं, सारा हम लोग कवर करते हैं। और खाना में क्या कहते थे आप लोग? खाना में हम लोग का कभी पूरी सब्जी होता था, कभी भात सब्जी होता था, कभी खिचड़ी होता था, मतलब हमेशा अच्छा से अच्छा इंतजाम करने का हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की। आप लोगों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, खाना बांटे, उसके बाद रमजान को लेकर बंद किया, फिर रमजान किट्स बांटे, इसके बाद आपकी जो स्टूडेंट जो तंजीम है उसका फ्यूचर में फिर आप लोग क्या करना है? अभी तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसे और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब हम लोगों ने मदद किया तो काफी हम लोगों को भी मदद मिली, तो हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से चला पाए, और इंशाल्लाह हम लोग इसे और आगे ले जाएंगे।
चलो आखिर में आप एक मैसेज दो बढ़ाकर वाचक का, आपके लिए क्या मैसेज है? मैसेज यही देना चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब घर पर रहें, अच्छे से रहें और लॉकडाउन का पुरजोर सपोर्ट करें ताकि हम लोग इस COVID-19 से अच्छे तरह से फाइट कर सकें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ अली।